नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ बहुत चर्चित चेहरे हैं आईआर सिंह जी, जो हमेशा बहुजन मूवमेंट की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं। सिंह साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, थैंक यू वेरी मच। सिंह साहब, आपसे एक बड़ी अहम बात पता करनी थी कि जो भगवान है वो कहाँ से आए हैं और भगवान है या नहीं है वो भी बताएं। भगवान से तात्पर्य आपका ईश्वर से है जी, बिल्कुल। देखिए, काल्पनिक है, ये ब्राह्मणवादों की उपज है, उनकी कल्पना की उपज है। और ये जो ईश्वर के संबंध में जो अवधारणा है, ये गरीबों के शोषण के लिए है। और गॉड इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर द एक्सप्लोइटेशन ऑफ द पुअर। ये गरीब लोगों के शोषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो दलित समाज है, जो बहुजन समाज है, उसमें कोई क्रांति आने वाली नहीं। उनकी प्रगति को रोकने के लिए, यानी कि बहुजन समाज और दलित के लोगों को के चतुर्मुखी विकास को रोकने के लिए ब्राह्मणवाद ने एक से इंस्ट्रूमेंट का इजाज किया, जिसे ईश्वर और आत्मा कहते हैं। केवल हम तथागत बुद्ध रूपी मिसाइल से ही ब्राह्मणवाद की कल्चर को ख़त्म कर सकते हैं। और उसके हमारी जो संस्कृति है, जो पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है, वो हमारी जो संस्कृति है, वो संस्कृति हमारी बुद्ध की संस्कृति है, श्रमण संस्कृति है, जो सब मानव समान है, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी पर आधारित है। इसलिए बुद्ध का मार्ग सच्चाई का मार्ग है, मानवता का मार्ग है। दूसरे धर्मों में मानवता नहीं है। ब्राह्मणवाद मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ है। और ब्राह्मणवाद जो है, सबसे बड़ी बात जो है, समाज के अंदर, भारत के अंदर असमानता स्थापित करना चाहता है। और भारत के गुलाम बनने के कारण यहाँ का जातिवाद था, असमानता थी, ब्राह्मणवाद था। और एक वेद की जो शिक्षाएं थी वो भी नॉन साइंटिफिक टेम्परामेंट की थी। उन्होंने देश की प्रगति को रोका है और आज भी वही काम वर्तमान सरकार और जो ब्राह्मणवाद के लोग हैं, वो भारतीय संस्कृति को, विज्ञान को रोक रहे हैं और देश के एकता अखंडता को खतरा पैदा कर रहे हैं। आप थे हमारे साथ आईआर सिंह जी, जिन्होंने बताया है कि जो बहुजन मूवमेंट्स को ख़राब करने का काम कर रहे हैं वो मनुवादी व्यवस्था के लोग कर रहे हैं, और इस व्यवस्था से निकलकर आना होगा बहुजन लोगों को और बुद्ध का मार्ग चुनना होगा। आपने हमारे चैनल से बात करी, इसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।